एस्ट्रो विहार में आप सभी लोगों का वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। और हमेशा की तरह एस्ट्रो विहार कुछ ना कुछ नया लेके आता है आप सभी लोगों के लिए, और अपना दैनिक राशिफल जानने के लिए एस्ट्रो विहार से जुड़ें जरूर। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज है 22 फरवरी 2023 के राशिफल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और आज हम 12 राशि के राशिफल के बारे में बात करेंगे, मेष से लेकर मीन तक के सभी राशियों के राशिफल के बारे में। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के राशिफल से। तो मेष राशि वालों का आज का दिन बहुत कुछ आपके कंधों पर भार टिका हुआ है, और आपके फैसले लेने के लिए स्पष्ट रूप से जरूरी है किसी करीबी दोस्त की मदद से आज कारोबारियों को अच्छा धन का लाभ मिल सकता है। तो थोड़ी सी संभावनाएं ऐसी भी होती है कि जब धन की आने की संभावनाएं होती है तो थोड़ी सी परेशानियां भी आती है, तो ऐसे परेशानियों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के सदस्य हमेशा सहयोगी बने हुए रहेंगे और आपकी जहाँ तक हो सके मदद ही करेंगे, लेकिन उनकी भी सारी मांगों को थोड़ा सा पूरा कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। आपका महफूज आज आपको बड़ी खूबसूरती से खास करके चौंका सकता है, तो थोड़ा सा आप जीत और मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। आज आपके घर के साथ बातचीत करते दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी बातों को ना आने दें और घर में तनाव ना होने दें, टेंशन ना होने दें, जिस वजह से घर में खुशहाली बनी हुई रहे। और हो सके तो आपके लिए एक थोड़ा सा सलाह भी है कि शराब का सेवन करने से मंगल बिगड़ता है, और मंगल की शांति के लिए, और मंगल अगर बिगड़ गया तो परिवार का सुख शांति भी बिगाड़ देता है। आगे हम चलते हैं वृष राशि का राशिफल कार्य। तो वृष राशि वालों के लिए आज के दिन दोस्तों के साथ शाम सुखद रहेगी, लेकिन ज़्यादा खाने पीने और मदरा करने से थोड़ा सा बचें, नहीं तो आर्थिक रूप से आपकी कंडीशन खराब हो सकती है, और ऐसे में ग्रहों की जो चाल है वो आपके विपरीत दिशा में बदल सकती है। धन कमाने के मौके रहेंगे, और जिस मौका से आपने धन को कमाया वो धन बहुत ज़्यादा रफ्तार में खर्च होने की संभावनाएं हैं। अपने माइंड को थोड़ा सा केंद्रित करके रखें, और अपने जहां तक कि हो सके अपने परिवार से, अपने बीवी से, बच्चों के साथ थोड़ा सा हो सके तो कभी कभी कुछ उपहार भी ले लिया करें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। घर के किसी वरिष्ठ लोगों से थोड़ा सा आप प्रभावित भी हो सकते हैं, और घर के छोटे सदस्यों को लेकर आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं घूमने फिरने का भी प्लान बनाएं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। थोड़ा सा जीवन साथी के लिए भी समय निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। एक आपके लिए उपाय भी है कि अगर कहीं आसपास में सफ़ेद गाय दिखे तो उसे रोटी खिलाना ना भूलें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए आपकी मुस्कान परेशानी से उभरने वाली रहेगी। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की मुस्कुराहट से भी कितनी ज़्यादा समस्याएं भी क्यों ना रहे वो समस्याओं का निजात हो जाता है। आज के दिन आप धन से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं, इसके लिए आपको किसी विश्वास पात्र से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपना वक्त बच्चों के साथ भी गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बचा खुचा वक्त है, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास क्यों ना करना पड़े। हाँ, जहाँ तक कि प्रेमी की बात आती है तो एक दूसरे के भावनाओं को अगर समझते हैं तो ज़्यादा परिवार में शांति बनी रहती है, और कार्य क्षेत्रों में भी आपका अच्छा आज महसूस करेंगे। आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ भी करेंगे, और आपका बॉस भी आज आपको थोड़ी सी उतावले होने से भी बचाएंगे और आपके खुशी में सहयोग भी करेंगे। तो कारोबारी लोगों को, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज मुनाफा का दिन है, और थोड़ा सा कभी कभी मुनाफा कहते हैं ना कि इधर उधर की परेशानियों में भी बढ़ाता है। तो कहते हैं कि अगर रास्ते में या कहीं आसपास या कि इधर उधर कहीं कुछ आपको पंछी अगर मिले तो उसको पानी आज के दिन ज़रूर पिलाएं, उससे आपके लिए जीवन में बेहतर रहेगा। आगे हम चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो तनाव के चलते बीमारी से दो चार होना भी पड़ सकता है, टेंशन आपको जीवन में कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है, तो
टेंशन ना लें और टेंशन से जहाँ तक हो सके अपने आप को दूर रखें। सुकून प्राप्त करने के लिए हो सके तो दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं और अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में थोड़ा सा निवेश करें तो आज फायदा होने की संभावनाएं हैं। बच्चों के खेलकूद और बाहरी गतिविधियों पर ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत आपको शायद पड़ सकता है। और जहाँ तक की बात है, कहते हैं कि जहाँ प्यार और खूबसूरती की बात आती है तो वहाँ एक इंसान का इच्छा प्रबल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और इच्छा प्रबल से ही प्यार और खुशियाँ दोनों बढ़ी रहती है और टेंशन भी थोड़ा सा दूर रहता है। अपनी सोच को अगर सकारात्मक रखते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और नकारात्मक कर लगते हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है। जीवन साथी भी आज आपको सहयोग करेंगे और मददगार रहेंगे। दिनचर्या आज आपका दिनचर्या व्यस्त रहेगा, इसके बावजूद भी थोड़ा सा समय निकाल पाने में आप सक्षम हो पाएंगे। थोड़ी सी जीवन साथी का भी तारीफ करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपके लिए आज का एक ज़्यादा उपाय है कि पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार रहेगा। तो आगे हम चलते हैं, कौन आगे का राशि है? सिंह राशि। तो चलिए, सिंह राशि वालों के लिए जहाँ तक कि देखा जाए तो आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। तो अपने खर्चों पर काबू रखें और हाथ खोलकर खर्च करने से थोड़ा सा बचें। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए आज अच्छा दिन है। बीते दिनों में भी मीठी यादें आपको व्यस्त रखेगी। काम पर लोगों के साथ मोल जोल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। आपके मन को भी शांति मिलेगी और जहां शांति है वहीं खुशियां हैं। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा आपका समय देना आपके लिए अहमियत साबित होगी। आपके लिए एक उपाय है आज के दिन की माता या किसी बुजुर्ग महिला के लिए कुछ चावल लेकर सफ़ेद वस्त्र में बांधकर अपने पास रखना या नौकरी या बिजनेस के लिए आपके पास ये काम आपके लिए शुभ होगा। आगे हम चलते हैं कन्या राशि वालों का। तो कन्या राशि वालों के लिए सेहत की तरफ ज़्यादातर गौर करने की ज़रूरत है। यदि आप किसी से उधार मांग रहे थे तो अब तक वो आपकी बात को टाल रहा था। आज बिना बोले ही आपको पैसा लौटा सकता है। आज के दिन बिना कुछ खास किए हुए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी रसिक या कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि आज सच हो जाए और बड़े उद्योगपतियों के लिए भी के साथ साझेदारी में भी व्यवसाय करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। थोड़ा सा अकेला समय जब मिले तो हो सके तो कभी कभी कुछ कहते हैं ना कि कुछ बेहतर करने के लिए अपने आप को अकेला समय देना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और खाली समय में घर की साफ़ सफाई में भी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि घर गंदा रहे तो जीवन में टेंशन ही टेंशन है और जीवन साथी का थोड़ा सा ख्याल रखें। आज के दिन आपके लिए एक उपाय है कि अपने भोजन में से कुछ हिस्सा निकाल कर गाय को खिलाने से आपका स्वास्थ्य ज़्यादा उत्तम रहेगा। आगे हम चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिसको करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला जुला रहेगा और आज आपको धन का लाभ हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपको घर में मेहमान भर सकते हैं। आज हुए कपड़े ना पहने जो आपके जीवन साथी को पसंद ना हो, नहीं तो मुमकिन है कि आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तब बॉस भी आज आपसे थोड़ा सा इधर उधर अगरम बगरम कामों में आपको
फंसाने के बावजूद भी अच्छी खबर दे मिल सकता है। आपको कोई नई पुस्तक खरीद कर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार भी सकते हैं। तो जहाँ तक की बात है, थोड़ा सा समय को अपने आप को देने की ज़रूरत है और माइंड टेंशन को थोड़ा सा कम कर रखने की। एक आज का उपाय है कि नेत्रहीन कोढ़ी या अपंग को एक से अधिक रंग का कपड़ा दान करने से नौकरी वो बिजनेस में आपको इजाफा होने वाला है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि वालों का। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज खुद को ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे, लेकिन काम का बोझ आप में खींच पैदा कर सकता है, आपको टेंशन दे सकता है, आपको इधर उधर मन भटका सकता है। अपने लिए पैसा बचाने का ख्याल आज आपका पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में भी सक्षम हो पाएंगे। आपके आकर्षण के और व्यक्तित्व के जरिए से आपको कुछ नए दोस्त भी मिलेंगे। घर में परेशानियां पैदा हो सकती है, लेकिन अपने साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताने मारना से बचें। कहे कि किसी को ताना मारना अच्छी बात नहीं है। कहा थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में भी आप आज अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपके ऑफिस के जो सहकर्मी लोग हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपके काम की आज तारीफ भी कर सकते हैं। आपका बॉस भी आज आपसे खुशनुमा स्वभाव रखेगा और आपके कारोबार में आज मुनाफा कमाने की अति उत्तम योग बन रहा है। जहाँ तक कि जीवन साथी की बात करें, तो जीवन साथी के रिश्तेदारों का दखल वैवाहिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। हालांकि आज का उपाय के लिए है कि काले रंग के कपड़ों का अधिक प्रयोग करना प्रेम संबंधों में इजाफा कर सकता है। तो थोड़ा सा इस बात को अगर ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम आगे चलते हैं धनु राशि वालों का। तो धनु राशि वालों के लिए आज अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग भी खुला रहेगा। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन की लाभ हो सकता है। परिवार के लोगों के बीच पैसों को लेकर आज कहा सुनी हो सकती है। पैसों के मामले में आपको परिवार के सभी लोगों को स्पष्ट होने की सलाह देनी चाहिए। आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़ों को सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। आज आप कार्य क्षेत्र में अचानक अपने कामों की छानबीन भी हो सकती है। ऐसे में अगर आपने कोई गलती की होगी तो आपको इसका भुगतान भी करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने जमा पूंजी को बचा के रखें और जीवन साथी का के सख्त रवैये को भी थोड़ा सा अपने नज़रिए से पहलू से देखें और हो सके तो थोड़ा सा समझौता करके ही चलें, ज़्यादा बेहतर है। आज के उपाय के बारे में है कि प्रेम संबंधों को अच्छा करने के लिए गुड़ या मसूर की दाल जरूर खाएं, उससे आपके प्रेम संबंध आज बेहतर रहेंगे। अब हम चलते हैं मकर राशि वालों का। तो मकर राशि वालों का के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्याओं को साझा करें, एक दूसरे को फिर से भली भांति जानने के लिए थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं और खुद की स्नेह जोड़ी में एक दूसरे को ढाल लें। आपके बच्चे भी घर में खुशी और सुकून के माहौल को महसूस कर सकेंगे, इससे आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार में ज़्यादा खुलापन और आज़ादी मिलेगी। अगर आप छात्र हैं या विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर की आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। तो दोस्तों की परेशानियां और तनाव के चलते आप अच्छा महसूस आज नहीं करेंगे। आप प्यार में थोड़ी सी निराशावादी रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपको हर कोई गंभीरता से सुनेगा। तो थोड़ी सी जहाँ तक की बात है फिजूल खर्ची के लिए जीवन साथी के साथ अनबन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसे समझाएं वही ज़्यादा बेहतर है। आज के उपाय के बारे में अगर देखा जाए तो दूध में हल्दी डालकर पीने या नहाने वाले पानी में दूध में हल्दी डालकर पीने वो नहाने वाले पानी में हल्दी डालकर स्नान करने से पारिवारिक जीवन आज अच्छा रहेगा। अब हम आगे चलते हैं कुंभ राशि वालों का।
तो कुंभ राशि वालों के लिए जहाँ तक कि देखा जाए तो आज मौज मस्ती और मनपसंद काम करने में पूरा दिन आपको ऐसे ही बीत जाएंगे। यूँ तो आज आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने पैसे को व्यर्थ में खर्च ना करें। अगर आप दफ्तर में अतिरिक्त समय लगाएंगे तो आपकी घरेलू ज़िंदगी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, ओवर टाइम करने के चक्कर में ना रहें। हालांकि रोमांटिक ख्यालों के बारे में कहा जाए तो हर वे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं ना कि कुछ बात किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाओं और आइडिया सुझाएगा, दिखलाएगा। आपका खाली समय आज आपको मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे थोड़ी सी छिन्नता आ सकती है, वो आपसे चिढ़ सकती है। आप टीवी देखने के बजाय हो सके तो थोड़ा सा दिलचस्पी उनके साथ लें और अपने वैवाहिक जीवन को ज़्यादा बेहतर है। आज के उपाय के लिए घर में फूल, पानी में पनपने वाले पौधे जैसे मनी प्लांट आदि, मछली या मछली का एक्वेरियम उत्तर या पश्चिमोत्तर दिशा में रखने से फैमिली में खुशियां बनी हुई रहेगी। अब हम आगे चलते हैं मीन राशि वालों पे। तो मीन राशि वालों का आज झंझलाना और चिटकने वाला स्वभाव आज आपको ज़्यादा समस्याएं कर सकती है। आपका जहां तक कि हो सके तो आपके सेहत को भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो पुरानी बातों में ना उलझें और जहां तक कि हो सके तो जीवन को जितना आराम से आराम बना सकते हैं उतना आराम बनाने की कोशिश करें। घर की ज़रूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कीमती सामान भी खरीद सकते हैं, जिससे आर्थिक संकट आप पे आ सकता है। तो थोड़ा सा इससे बचें। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। अपने प्रिय को नज़रअंदाज करना घर का तनाव का कारण बन सकता है। तो आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी होती है कि हर एक कार्य को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से कदम उठाएं, जिससे कि आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमते रहे। काहे कि आपकी कोशिश से ही आपको उन्नति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगा और परिवार में भी संभवतः रिश्तेदारों के साथ और वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ बनी हुई रहेगी। कहते हैं कि हो सके तो आज के दिन सुबह और शाम में ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करने से आज आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। हो सके तो चैनल अभी नया है, थोड़ा सा आपके सपोर्ट से ही चैनल बनता है और आपके सपोर्ट से ही बिगड़ता है। तो थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक फिर मिलते हैं अगले राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।